हेलो एवरीवन, जय जिनेन, सभी को नमस्ते। तो आज मम्मी ने ऐसे ही हम लोग सब बैठे हुए थे, मैं कुछ स्कूल का काम कर रही थी, काम करते करते मम्मी ने बोला कि चलो निया थोड़ा सा फेशियल कर देते। तो फेशियल कराना किसको नहीं पसंद है, मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी औरत को फेशियल कराना, पैम्परिंग करना पसंद नहीं होगा। तो मैंने भी झटपट उठ गई मैं, और मैं बोली चलो मम्मी कर दो। तो यहाँ पे मेरी मम्मी मेरा भी फेशियल करेगी, इसी के लिए मैंने कान का गला का सब खोल दिया है। तो चलिए गाइस, मैं आपको फेशियल के दौरान दिखाऊंगी कि मम्मी क्या क्या स्टेप कर रही है। और एक जरूरी मैसेज मैं आप लोग को देना चाहती हूँ कि आज इवनिंग के टाइम में मैं एटीएम गई थी। तो मैं गई तो उस समय वहाँ पे कोई नहीं था। तो मैं जैसे ही अंदर इंटर करी एटीएम के, तो वहां पे मैंने देखा कि एटीएम के उस जिसमें हम लोग कार्ड फंसाते हैं उसमें एक कार्ड फंस के रखा हुआ था। तो मैंने निकाला और अपना फिर मैं मुझे जो करना था मैंने अपना किया। फिर मैंने मतलब यही सोचा कि अगर जो भी ऐसा कार्ड छोड़ दिए हैं या भूल गए हैं तो कम से कम आप लोग केयरफुल रहिए, इस चीज में लापरवाही नहीं करिए, कोई भी आपका गलत यूज कर सकता उस कार्ड का। दूसरा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर वो एक्सपायरी हो गया, चाहे आप तो, मतलब क्या रीजन था क्या नहीं, मैंने उतना उसको देखा नहीं। मैं कार्ड लेकर वहां पे झुका, मतलब गार्ड अंकल थे, मैंने उनको दे दिया। तो अगर वो एक्सपायरी हो गया तो कहने का मतलब ये है कि आप उसको ब्रेक करके डस्टबिन में डाल दो, ऐसे मत छोड़ो कि किसी को भी यूज करने में दिक्कत आई। और या तो फिर अगर आप भूल गए हो तो प्लीज़ आप लोग केयरफुली रहिए, क्योंकि अभी स्कैम बहुत हो रहा है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए, बहुत ज्ञान की बात हो गई, अब थोड़ा सा अपने आप को पैम्परिंग करा जाए। और मैं सभी लेडीज से भी ये कहना चाहूँगी, जब आपको मौका मिले, टाइम मिले अपने लिए, तो आप लोग कुछ अपने लिए ही किया करो, ना कि बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए, परिवार के लिए। हम लोग अपनी पूरी लाइफ दे देते हैं, फिर भी हम लोग को सुनने यही मिलता, रिटर्न यही आता है कि कुछ नहीं किया। तो इसलिए जब जब हम लोग को टाइम मिले, खुशियां मिले, हम लोग को भरपूर आनंद लेना चाहिए इस टाइम का, और अपना एंजॉय करना चाहिए लाइफ को। तो चलिए, यहाँ पे मम्मी सारा सामान लेकर रेडी है, तो चलिए मम्मी से पूछते हूँ मम्मी क्या क्या चीज लाई है, ठीक है। चलिए फ्रेंड, मम्मी है ये मेरी, मम्मी मेरे यूट्यूब फैमिली को आप हेलो, हाय। हाय, हेलो, बाय, आप कैसी हैं? जय जिनेंद्र। तो ये देखिए, मैं आज मम्मी मेरा फेशियल करने जा रही है ना मम्मी, तो मम्मी आप क्या क्या चीज यूज करने वाले हो मेरे फेस पे, तो आप मेरे व्यूवर्स को बताओ। मैं आज अपनी बहू कम बेटी का फेशियल कर रही हूँ। ये है रोज वाटर, ये है राइस पाउडर, और इसमें मैं रोज वाटर दे करके इसको लिक्विड बनाई हूँ थोड़ा सा। और ये क्या है? ये है फेशियल के लिए पैक। ये क्या मिलाई हो मम्मी? तो मम्मी ये बताओ ये क्या है? ये फेशियल ये बनाई हूँ, होममेड है, ठीक है, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगी कि इसमें क्या क्या पड़ा है, ये सीक्रेट है। पहले देख लेती हूँ तुम्हारे चेहरे का रिजल्ट, उसके बाद मैं सबको बताऊंगी कि क्या क्या है। आप भी यूज कीजिए इसको, बहुत अच्छा रहेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा ये। चलिए ठीक है मम्मी, तो मैं अपने आप मेरे व्यूअर्स को बाय कर दो, बाय। तो चलिए फ्रेंड, मैं अपना फेशियल स्टार्ट करती हूँ, मेरे साथ बनी रही वीडियो। तो देखिए गाइस, मेरा फेशियल स्टार्ट हो गया है, अभी मम्मी ने रोज वाटर लगाया, अभी वो राइस फ्लावर का जो लिक्विड मम्मी ने बनाया था वो यूज कर रही है, अप्लाई कर रही है मेरे फेस पे, इससे स्क्रैबर भी हो जाएगा फ्रेंड। तो गाइस, वो जो राइस फ्लावर से जो मम्मी कर रही थी उसको 5 मिनट स्क्रब करी, फिर पानी से फेस को पोंछ दी। अब ये जो पैक मम्मी होममेड बनाई है वो पैक से मेरा मसाज कर रही है। ये कितना देर करना मम्मी? कम से कम तो 15 मिनट तो करेंगे, ये 15 मिनट करेंगे, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट, आई होप क्रॉस फिंगर। तो देखिए गाइस, मेरा फेशियल डन हो गया, तो आपको भी फर्क पड़ रहा होगा कि जब मैं स्टार्ट करी थी वीडियो और अभी थोड़ा सा वो कल रिजल्ट पता चलेगा, लेकिन मुझे बहुत साफ लग रहा अपना चेहरा, मतलब जो पहला करंट फेस था और अभी का। तो चलो
फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लेकर आती हूँ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, सभी को गुड नाइट, और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो, वो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय।